ಕೈಗಾರೋ ತಿವಿಯೋ ಭಾವ ಸಟ್ಟೋ ದಂಸಾನವಾಯ ಉತ್ತಾರ ಗುಣೇಹಿ परम कृपालु जीव मात्र की कल्याण की भावना वाले महापुरुष श्रावक जीवन की गरिमाएं और श्रावक जीवन के दूषणों का अपन को दिग्दर्शन करवा रहे हैं। नाम का श्रावक सिर्फ नाम से है, थापना का श्रावक उत्तमोत्तम प्रकार के जीवन को जीकर जिन्होंने कुछ छाप छोड़ी है, कुछ अन्य लोगों के लिए आदर्श छोड़ा है, वो परम अनुकरणीय आदर्श व्यक्ति होते हैं। द्रव्य श्रावक अनादि अनंत काल से संसार के अंदर लेने की तालावेली, दिखाने की तालावेली, होता कुछ है और दिखाना और कुछ है, ऐसी प्रवृत्ति यानी कुप्रवृत्ति, समर्पण सेवा उसको बोली जाती है कि हर व्यक्ति के जीवन में रहे हुए कोई न कोई छोटे बड़े गुणों को ही देखना और उस गुणों को आदर्श बनाकर, निमित्त बनाकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करना, उसको बोला जाता है जीवन के अंदर कुछ पाने का, कुछ बनने का एक आदर्श जीवन। मगर यहाँ पर अपन को तीसरे नंबर में द्रव्य श्रावक, लोभ, लालच, मान, ईगो, हट आदि कई वृत्तियों के द्वारा अपनी प्रवृत्तियों को अच्छी दिखाना और अंदर से अपनी प्रवृत्तियों कर्म बंधन की रहे, वो द्रव्य श्रावक कहा जाता है। जिसमें अपन दृष्टांत देखा, चंद्र प्रद्योत राजा ने अभय कुमार को कैद में डालने के लिए श्राविका बनाकर एक वेश्या को भेजा और उसने भी अच्छी तरह की क्रियाएं किया, व्रत किया, नियम किया, पूजा किया, पाठ किया, भक्ति किया और ऐसे उसको फंसा दिया कि अभय कुमार को भी उसने एक धर्म के नाम से धोखा दे दिया। आगे देखा अपने विनय रत्ना, द्रव्य चारित्र ऐसा पाला कि गुरु का विश्वास पात्र बन गया, मगर मन में मनोवृत्ति इतनी मलिन थी, कब मौका मिले, अवसर मिले के उदयन राजा का मैं वध कर दूं, वह भी उसने कर दिया। और आचार्य भगवान शासन की, धर्म की हिलना न होवे तो उन्होंने भी उस धर्म की हिलना को बचाने के लिए, मेरे धर्म की निंदा न करे कोई कि आचार्य उस राजा के महल में गए और रात को उनके सामने क्या हो गया, उसका वध हो गया, मर्डर हो गया, धर्म की निंदा ना हो। मैना को भी क्या सोच आई थी, जो कर्म और धर्म की परीक्षा का अवसर आया, अभिमान में चले हुए पिताजी ने कहा कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, सुखी को दुखी कर सकता हूं और दुखी को सुखी कर सकता हूं, तब पढ़ी समझी, धर्म को मानने वाली बेटी ने कहा नहीं पिताजी, अपन सब तो निमित्त है, जो कुछ होता है अपनी पूर्व की पुण्याई और देवगुरु धर्म के आशीर्वाद से होता है, सुनने मानने के तैयार नहीं हुए। और आपको मालूम है कोढ़िया पति के साथ उसका ब्याह करा दिया, पहले ही दिन बाजू में रहे हुए उपाश्रम में आचार्य भगवंत मुनि चंद्रेश्वरी महाराज के पास वंदना करने के लिए गए, तब आचार्य भगवान भी पर्सनल उस श्राविका बहन को जानते थे और पूछा कोयम नरोत्तमा,
वो कोड़िया था, बदबू आ रही थी, मगर मैणा का जीवन मालूम था गुरुदेव को, सो श्राविका की बेटी है। अच्छे धर्म को करने वाली, अच्छे धर्म को समझी हुई है, तो इसके साथ आने वाला कोई भागेरो कि जाहिर रास्ते पर से मिला हुआ आदमी कभी वही नहीं सकता है। कौन नरोत्तम है, कौन भाग्यशाली है, बस इतना। जैसे गुरुदेव ने पूछा, वहां उस बालिका की आंख में से दड़ 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 क्या बहने लगा, जो वेदना थी वो वंदना करते करते बाहर आ गई। क्योंकि रोना हो तो दो जगह रोना, कभी भी सगे वालों के सामने या दोस्तों मित्रों के सामने मत रोना। हाँ, नहीं उठते होंगे तो उठा देंगे, हाँ 10 जन को फोन कर देंगे, अरे ठंडा पड़े होंगे नहीं पड़े हो, तो कि नहीं फलानो तो खूब तकलीफ में आए हो के, नहीं नहीं यार सब कुछ अच्छा है, अरे नहीं मारी कने रोइन गयो तकलीफ में है के, थोने बात करू थे धक्के कर जो मती, धक्के कर जो मती, अने दुनिया में 50 फोन करे। ऐसे आज के सगे संबंधी हैं, ऐसे आज के दोस्त हैं। इसलिए रोना होने तो देव के दरबार में रोना या तो गुरु के दरबार में रोना, जिनके दिल में करुणा होती है। और सभी जीव करु शासन रसी, हर व्यक्ति का हर आत्मा का कल्याण हो, ये भावना संतों के दिल में होती है। इसलिए मैना ने रोना कहाँ किया, मुनि चंद्रसूरी महाराज के पास। गुरुदेव आपका श्रावक है, ऐसे मिले उसका दर्द नहीं है, हाँ ये मेरे कर्म है मैं सोच समझते हूं, मगर इनके निमित्त से मेरे धर्म की निंदा हो रही है, कैसी सोच है, मेरे धर्म की निंदा इस इनके हिसाब, यानी इनका ये रोग है। और मैं राजपुत्री थी, मगर लोग अब बोल रहे हैं कि देखो ये कर्म कर्म धर्म धर्म ज्यादा करने गई तो आज उसका ये हाल हुआ, अपने बाप ने जो कहा वो कर लिया होता ने तो कुछ नहीं होता, क्योंकि बाप था अन्य रास्ते चलने वाला और माँ थी सुमार्ग सन्मार्ग में चलने वाली। इसलिए कहा गया ठामे भी ठिकरी ने माए भी दिकरी, क्या कहा गया है, ठामे भी ठिकरी और माए भी दिकरी, जैसी माँ होती है वैसी उसकी दिकरी यानी लड़की होती है। यदि माँ झगड़ालू है, माँ तूफान मचाने वाली है, तो बेटी में गुण तो वो आएगा ही, फिर भले वो कस्तूरी के साथ रहती हो मगर मुंह के अंदर लसन भरा हुआ है तो उस लसन की दुर्गंध नहीं जा सकती है। तो यहाँ पर पुण्यवानों अपन को यही बता रहा है कि द्रव्य सावक यानी स्वार्थी यानी दिखावा करने वाला यानी अहम और ईगो को लेकर चलने वाला जो होता है वो धर्मनिष्ठ नहीं, धर्म का दिखावा करने वाला होता है। इसलिए पुण्यवानों यहाँ पर अपन को बताया गया कि वो विनय रत्न ने दिखावा किया और मौका आते ही उसने उसका मर्डर कर दिया, और गुरुदेव भाव धर्म में डूबे हुए थे, उन्होंने खुद का प्राण का बलिदान दे दिया कि मैं यहाँ हूँ और मेरे जगते जगते मेरे रहते रहते हुआ है। लोग सुबह पूछेंगे, लोग सुबह देखेंगे कि आचार्य महाराज और राजा साथ में थे रात को राजमहल में धर्म चर्चा में, और सुबह मर्डर कैसे हो गया, नक्की आचार्य साथ में भरे हुए होंगे। धर्म की निंदा होगी, धर्म शासन की निंदा होगी, और आजकल के लोग तो जानबूझकर अपना महत्व दिखाने के लिए अपन खुद कोई अलग तरह का शासन का समाज का धर्म का बड़ा भक्त है, काय का भगत, कभी नौकरशी ना करता हो,
कभी जिन पूजा न करता हो, कभी सुपात्र दान में दान न देता हो, कभी जीवन के अंदर परमात्मा ने बताए हुए 12 व्रतों में से एक भी व्रत का ठिकाना ना हो, जिसकी भाषा अधर्मी लोगों को शोभे ऐसी हो, जो मुंह में से गाड़ी और ग्लोज के सिवाय कुछ बोल ही ना सकता हो, ऐसे लोग धर्म के ठेकेदार बनकर समाज को उल्लू बनाते हैं। सिद्ध साधे भोले लोग जो धर्म के लिए समर्पण और सेवा करने चाहते हैं, उनको अपने साथ लेकर लाखों रुपयों का समाज का वेस्ट व्यय कर देते हैं, जो द्रव्य सावक होते हैं वो। इसलिए यहाँ पर हो द्रव्य सावक, स्थापना सावक और नाम का श्रावक बताकर आगे अपन को आज से बता रहे कि तिवियो भाव सड्डो दंशन वय उत्तर वय गुणहीन। इस चरित्र में, इस ग्रंथ में, यानी श्राद्ध गुरोण विवरण नाम के ग्रंथ के अंदर सिर्फ भाव श्रावक के गुण बताएंगे। तो भाव श्रावक के कितने भेद? सबसे पहला दंशन, दर्शन श्रावक यानी सम्यक्तम वाला, वाय उत्तर गुण ही, दूसरे नंबर में व्रत श्रावक और तीसरे नंबर में उत्तर गुण श्रावक। भाव श्रावक के तीन गुण, दर्शन श्रावक, व्रत श्रावक और उत्तर गुण श्रावक। छोटे महाराज, आपको दर्शन तक यानी सम्यक दर्शन तक कैसे पहुंचना, उसके लिए डेढ़ डेढ़ महीने से सिर्फ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, फिर सम्यक तप तक पहुंचे। अपन को भी डेढ़ डेढ़ महीने से अपना खेत कैसा होना चाहिए कि जिसके खेत में अपन दान शील तप और भाव की खेती करें, धर्म क्रियाओं की रोज खेती करते हैं, तो आज तक इतने भाव चले गए क्यों उग नहीं रही है? बहुत सारे लोगों के जीवन में आप देखते हो 5-10 नवरात्रि करते हैं, माता जी शरीर में आने चालू हो जाते, 5-50 पूनम या लोग भरते हैं और वो धुनना नाचना कूदना चालू कर देते हैं, और अपन इतने इतने वर्षों से प्रभु ने बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। तो अभी महीना ने तो एक दिन में गुरुदेव ने जब उसको आशीर्वाद दिया और आश्वासन दिया और उसको धर्म तो सीखी हुई थी, वो आचरण करना था और उसने आचरण किया, परमात्मा के मंदिर में दर्शन करने गई और स्तुति करते करते वो भगवान की फूल की माला गले में से उछड़ी और भगवान के हाथ में रहा हुआ जो बिजोरों का फल उछला। और आपने आज तक कितने पूजा पूजन पढ़ाए, कभी फूल भी उछला? क्यों? फिटिंग में तकलीफ है, लाइट फिटिंग यदि बरोबर हुई है अने खटको दबाओ तो लाइट भेज, पर फिटिंग कितनी भी हुई हो, बाहर से जोड़ान ना लिया हो, तो नगर पालिका से जोड़ान ना लिया हो अने खटका दबाए करो कि गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता है, अरे भी बाहर से जोड़ाने नहीं लिया है। तो ये प्रवचन, ये प्रभु की वाणी अपन को सम्यक ज्ञान देती है। गलत सोच का जीवन में विसर्जन होता है, अनुमोदना करने लायक कार्यों को देखकर मन में उनके प्रति गुण राग आता है, ईर्ष्या नहीं आएगी। कोई आदमी बड़ा चढ़ावा ले ले, अच्छा कोई बड़ी तपस्या कर ले या ज्ञान में आगे बढ़े, कोई आत्मा छोटा हो और ज्ञान में आगे बढ़े, ज्ञान में आगे बढ़े। वज्र सामीन की बात छोटे महाराज ने बताई थी, 66 महीना ना गुरु जोड़ी माँ आवे केली करण तारे, 3 वर्षना साध्वी मुक्ति, 3 साल की उम्र में 3 वर्षना साध्वी मुक्ति, अंग अज्ञान भणन तारे, राजसभा में नहीं शोभाना नहीं क्षोभाना मात सुख लड़ी देखी रे, गुरु ए दीदा ओगो मुपत्ति लीदा सर्व उवेखी रे।
वहां कई खिलौने कई बड़े बड़े गाड़ियां बताई, सब उवेक यार छोड़ दिया, रोगा ले लिया। ये सम्यक ज्ञान पूर्व भाव में उन्होंने ज्ञानियों की सेवा की थी, और वर्तमान में वो वैर मुनि 8-10 साल की उम्र में वाचना देते, और वाचना के अंदर बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी सामने बैठते, और 8-10 साल की उम्र के वो वैर मुनि वज्र कुमार जी क्या करते हैं, देशना देते, वाचना देते। ऐसे पूर्व भाव की कोई जबरदस्त ज्ञानावरणीय कर्म का उदय लेके आई हुई आत्मा होती है ना, भले उम्र में छोटी हो मगर पूर्व की आराधना से उनको ज्ञान चढ़ता है, ज्ञान सीखते हैं, ज्ञान पढ़ते हैं, और फिर समय आने पर ज्ञान की वो प्रभावना भी करते। तो ऐसे छोटे हो या वृद्ध हो, उनकी सेवा करने से, उनकी भक्ति करने से, उनको उन स्वाध्याय के ज्ञान के लिए अनुकूल वातावरण देने से अपना ज्ञानावरणीय कर्म क्षय होता है। पर ईर्ष्या करने से, उनकी क्रिटिसाइज करने से, है वो तो इतना ही करते हैं, वो कुछ करते ही नहीं है, अरे मगर तुम तो बुद्धू हो, मूर्ख शिरोमणि हो, वो बुद्धिशाली है तो करो भक्ति, तो मूर्खता में से कोई समझदारी आएगी, मगर वो नहीं सोच, वो अच्छा नहीं लगता। क्यों? ऐसे लोगों की संगति करते हैं, बुद्धू लोगों की संगति करने वालों की बुद्धि कैसी हो जाती है, बुद्धू जैसी हो जाती है। इसलिए महापुरुषों ने यहाँ पर अपन को बताया कि अपने अपने जीवन के अंदर जिस चीज की प्राप्ति करनी है, जो गुण अपन को जीवन में प्राप्त करना है, वैसे व्यक्तियों का मान करो, सम्मान करो, बहुमान करो, और उनको अनुकूलता प्रदान करो, तो उनकी ज्ञान की आराधना बढ़ेगी, और यह कर्म किसका क्षय होगा, अपना क्षय होगा, क्योंकि अपन ने उनको सहयोग दिया है। अभय सागर जी महाराज पन्यास अभय सागर जी महाराज हुए, जो सागरानंद श्री महाराज के बाद में वर्तमान समय के अंदर 18 भाषा वो जानते थे, कितनी 18 भाषा जानते थे, जिन्होंने पालीताना में जम्बूद्वीप की रचना की,